गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, आज मैं आपको पार्टिसिपल के बारे में शॉर्ट में समझा रहा हूं कि पार्टिसिपल आखिर होते क्या हैं और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और स्ट्रक्चर कैसा होगा। पार्टिसिपल वैसे दोस्तों तीन होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म, एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल जो हैविंग प्लीज वर्ब थर्ड फॉर्म होता है। तो ये तीनों पार्टिसिपल को हम लोग शॉर्ट में पढ़ते हैं। किसी और वीडियो में आपको तीनों पार्टिसिपल को अलग अलग बना के बताऊंगा, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का अलग वीडियो होगा, पास्ट पार्टिसिपल का अलग होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल का अलग होगा। तो आज मैं आपको तीनों पार्टिसिपल को शॉर्ट में समझा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये बात समझ में आ जाए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आखिर पार्टिसिपल होते क्या है। तो पार्टिसिपल एक वर्ब की एक ऐसी कंडीशंस होती है, अगर वर्ब में आईएनजी लगेगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा तो पास्ट पार्टिसिपल होगा, और हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म आएगा तो उसको हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल कहेंगे। चालू करते हैं। सारे कंटिन्यूस टेंस जो रहेंगे वो होंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। इसमें जो वर्ब में आईएनजी आता है वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो ये सारे कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है। लेकिन कभी कभी वर्ब आईएनजी एडजेक्टिव का भी काम करता है। जैसे मैंने एक रोता हुआ बच्चा देखा, आई सॉ अ क्राइंग चाइल्ड। कैसा बच्चा? रोता हुआ। तो यहां पर क्राइंग जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बहती हुई नदी सुंदर लगती है, द फ्लोइंग रिवर लुक्स ब्यूटिफुल। रोता हुआ बच्चा अच्छा नहीं लगता है, अ क्राइंग चाइल्ड डज नॉट लुक गुड। तो यहां पर जो वर्ब में आईएनजी आ रहा है वो एडजेक्टिव रूप में आ रहा है, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल, वर्ब में आईएनजी अगर नाउन का काम करे तो वह जेरंड होता है। जैसे प्लेइंग इज एन एक्सरसाइज, खेलना एक कसरत है। क्या एक कसरत है? प्लेइंग। तो यहां पर प्लेइंग जो हो गया वो नाउन का काम कर रहा है, इसलिए ये जेरंड का काम करेगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, आई अवॉइड स्मोकिंग अ सिगरेट। मैं क्या अवॉइड करता हूं? स्मोकिंग अ सिगरेट। तो स्मोकिंग जो हो गया वो हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ लेकिन नाउन का काम कर रहा है। जैसे प्लीज स्टॉप शाउटिंग, कृपया चिल्लाना बंद करो। क्या बंद करो? चिल्लाना। तो यहां पर शाउटिंग जो हो गया वो जेरंड हो गया, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है लेकिन है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब में थर्ड फॉर्म, तो सारे परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल जो होंगे वो पास्ट पार्टिसिपल होंगे। मैं आपको तीनों टेंस को बताता हूं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे वह क्रिकेट खेल चुका है, ही हैज प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल चुका था, ही हैड प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल चुका होगा, ही विल हैव प्लेड क्रिकेट। तो तीनों में जो प्लेड आ रहा है, तीनों टेंसेस में वह पास्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है। अब हम लोग लेते हैं वर्ब थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में। जैसे मैं फटी किताब नहीं खरीदूंगा, आई विल नॉट बाय अ टॉर्न बुक। क्या पर जो टॉर्न है वो थर्ड फॉर्म है, उसके बाद जो बुक आ रहा है। कैसी किताब नहीं खरीदूंगा? टॉर्न बुक। यहां पर टॉर्न बुक, टॉर्न जो हो गया वो एडजेक्टिव का काम करेगा। फटी किताब अच्छी नहीं होती है, टॉर्न बुक इज नॉट गुड। फटी किताबें बेच देनी चाहिए, टॉर्न बुक्स शुड बी सोल्ड। तो यहां पर हम लोग एडजेक्टिव के रूप में वर्ब थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी पास्ट पार्टिसिपल को एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे मैं अधिक पका खाना नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट ओवर कुक्ड फूड। तुम्हें कम पका खाना नहीं खाना चाहिए, यू शुड नॉट ईट अंडर कुक्ड फूड। यह अध पका खाना है, दिस इज हाफ कुक्ड फूड। तो ये जो सभी थे एडजेक्टिव का काम कर रहे थे, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल थे, वर्ब में थर्ड फॉर्म थे। तो इसमें नाउन लगाकर हम लोग इसको एडजेक्टिव बना सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट के रूप में और सब्जेक्ट के रूप में शुरू में भी आ सकता है। अब हम लोग आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, काफी कंफ्यूज होते हैं इसमें, ये है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो दोस्तों परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म।
तो ये मतलब होता है कि कोई काम कर लेने के बाद जब वो अगला काम करता है तब हम लोग हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जैसे खाना खाकर उसने आराम किया तो हम लोग लिखेंगे हैविंग ईटन फूड ही टुक अ रेस्ट, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अंग्रेजी सीखकर उसने कोचिंग क्लास छोड़ दी, हैविंग लर्नड इंग्लिश ही लेफ्ट कोचिंग क्लासेस। मुझे हराकर वह हंसने लगा, हैविंग डिफीटेड मी ही स्टार्टेड लॉफिंग। इस प्रकार का हम लोग सेंटेंस यूज कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी आपने बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म भी देखा होगा, बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म भी देखा होगा, तो ये इसके मैं आपको कुछ सेंटेंस बताता हूं, क्योंकि बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म भी अधिकतर बहुत सी जगह पर मैगजीन्स न्यूज़पेपर में हमें दिख जाता है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म क्यों आ रहा है, बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म क्यों आ रहा है, इन दोनों में क्या बेसिक अंतर होता है, ये हम लोग को समझने की कोशिश करना है, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और परफेक्ट पार्टिसिपल का मैं किसी और दिन में अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं उसमें सारी बातें मैं परफेक्ट पार्टिसिपल से रिलेटेड मैं बताऊंगा, बहुत सारे सेंटेंस बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको तीनों पार्टिसिपल समझा रहा हूं, इसलिए मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में सारी बातें बता रहा हूं। जैसे दोस्तों, बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय हर आई कुड नॉट स्टडी वेल, उसके द्वारा डिस्टर्ब्ड किए जाते रहने पर, मतलब वो डिस्टर्ब कर रही थी, मैं पढ़ाई नहीं कर सका, मतलब उसको डिस्टर्ब करते करते मैं पढ़ाई नहीं कर सका। Being disturbed by her, I could not study well. उसके disturb करते रहने पर मैं पढ़ाई नहीं कर सका। अगला sentence सुनते हैं। Having been disturbed by her, I could not study well. अब ये वाले sentence में ये कह रहा है कि उसने disturb कर लिया था। Having been disturbed by her, मतलब उसके disturb कर लिए जाने के बाद मैं पढ़ाई नहीं कर सका, मेरे दिमाग में वो disturbance अंदर घुस गया था, उसके बाद मैं पढ़ाई नहीं कर सका। ये सेंटेंस है, बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म का मतलब होता है वो काम करते रहने पर, वो काम होते रहने पर मैं ऐसा नहीं कर सका, और हैविंग बीन वर्ब थर्ड फॉर्म का मतलब होता है वो काम कर लेने के बाद मैं ये नहीं कर सका। इसके कुछ और एग्जांपल लेते हैं। हैविंग बीन स्कोल्डेड बाय द टीचर आई कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन लेक्चर्स, शिक्षक के डांट दिए जाने के बाद मैं लेक्चर पर कंसंट्रेट नहीं कर पाया। मेरा वीडियो देख लेने के बाद उसके डाउट्स दूर हो गए। Having been watched my video, his doubts were clear. Having been watched, और आपको कहना है कि आपका वीडियो देख लेने के बाद, Having been watched your video, my doubts are clear. मेरे डाउट्स अब क्लियर हो गए, ऐसा हम लोग कह सकते हैं दोस्तों। Having been told not to touch my bike, बता दिए जाने के बाद कि मेरी बाइक न छुए, हाउ डेयर यू टच माई बाइक, मेरी बाइक कैसे छूते हो। तो दोस्तों यहां पर डेयर जो है मॉडल है, इसलिए अगले वर्ग को जोड़ने के लिए हमने टू का इस्तेमाल नहीं किया है। मुझे उम्मीद है ये शॉर्ट में मैंने आपको जो टॉपिक समझाया ये आपको कुछ कुछ क्लियर हो गया होगा, ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा, लेकिन इससे रिलेटेड मैं आपको डिटेल्स में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल का तीनों एक अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, जिसमें और भी मैं डिटेल्स में और भी कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा। तो आज मैंने आई एक्सप्लेन्ड यू टुडे इन अ नट शेल, इन अ नट शेल का मतलब होता है संक्षेप में, इन अ नट शेल ये एक फ्रेज है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे हर किसी को इसका फायदा मिल सके। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ और नए प्रयोग के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।